हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं आपके यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बजे हैं सुबह के 10:30 और ये हम रात में लेकर आए थे पेड़, तो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहले भी हमारे जो गार्डनिंग का भैया काम करते हैं उन्होंने लगाया था पर सूख गए थे, तो अब हमने ये दोबारा हम लेकर आए हैं। ये 3-4 लेकर आई हूँ इसी में के ये हैं, और ये एक ये वाला भी हम बेगम बोले लाए हैं, लगा तो है हमारे यहाँ मगर वो दूसरा कलर का लगा हुआ है, वो भी हम लेकर आए हैं। और हम ये सदाबहार के पेड़ लेकर आए हैं और ये नूनिया वगैरह भी लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे कलर के लग रहे थे तो हम ये लेकर आए हैं। और भी हम आपको दिखाते हैं हम क्या कौन कौन से पेड़ लेकर आए हैं। ये देखिए मैं लाई हूँ सिंदूरी गुलाब, पहले भी हमारे पास था बट वो कीड़ा वगैरह यहाँ पर ज़्यादा लग जाते हैं तो कीड़े से ख़त्म हो गया था, और ये बेला मुझे नहीं मिल पा रहा था अच्छा, तो ये बेला लाए, इतना अच्छी खुशबू आ रही है। रात की रानी तो हमारे यहाँ लगा हुआ है पर बेला नहीं था तो हमने बेला भी लगाया। और ये लाई हूँ मैं येलो कलर की नूनिया में जो फूल आते हैं ये भी मैंने लिया। और उसके बाद हमने ये लिया है पीला गुलाब, और इसके बाद ये हमने ये पेड़ ये ले लिया, तो कहने लगे ये सदाबहार इसमें फूल आता है, छोटा सा भी रहता है, तो हमारा बहुत छोटा सा ही गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, बट ये भी हमने ले लिया, ये बहुत अच्छा लगा। और एक हमने ये लिया ये वाला देखिए गुलाब, बहुत ही खूबसूरत गुलाब था, मेहरून है, तो ये भी हमने ले लिया। तो इस तरीके से हमने सारे पेड़ लिए हैं, और पहले और सब तो पीछे के हैं, आप देखते ही रहते हैं, पीछे के पेड़ तो मेरे बहुत पुराने हैं। अभी यहाँ पर जो है ना मट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मट्टी नहीं मिल पा रही थी तो हमने मट्टी लेके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पर हमने बनवाया। और एक हम ये वाला भी शेडेड वाला भी लेकर आए हैं पेड़, ये भी अभी हमारा पॉलीथीन में ही है सारे पेड़, अभी हमने नहीं किए हैं, ये हमारे बहुत पहले के हैं, ये पानी में ही होते हैं, ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं, ये पानी थोड़ा सा पानी थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एक गमले तस्ले में हमने ये लगा रखे हैं, एक तस्ले में यहाँ पर भी लगा रखा है। और इस तरीके से ये देखिए हमारा पिंक है, पिंक गुलाब है। यहाँ पर एक्चुअली में मट्टी नहीं मिलती है तो इस वजह से हमने आधा थोड़ा सा बहुत परेशानी हमें हो जाती है, तो थोड़ी सी अब हमें मट्टी मिली थी तो हमने इसको बहुत सही करवाया, तो अभी मैंने थोड़े से गमलों में भी भर भर के रख ली है। ये देखिए ये मेरे रात की रानी का पेड़ है, रात की रानी में बहुत इतनी अच्छी खुशबू आती है जो जब हवा चलती है तो जो है हमारा कमरे की खिड़कियाँ हैं हम खुली होती हैं तो वो अंदर तक मतलब समझ लिए जाती हैं, इतना अच्छा है खुशबू पूरा घर मेरा महका देती है। ये छोटा सा मेरा कागज़ी नींबू का पेड़ है, ये देखिए छोटे छोटे से नींबू आ रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं। और नींबू अब ये है कि अब मुझे लगा एक बार तो ये झड़ गए थे और अब की आ रहे हैं, अब की हो जाएंगे शायद, तो इसलिए यहाँ पर बारिश वगैरह भी हो गई तो अच्छे पेड़ खूब अच्छे हो रहे हैं। और मैं आपको आज अपना व्लॉग दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया दिन में और किस तरीके से हमने क्या बनाया घर में और क्या नहीं किया। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आज आम आए हुए हैं, कच्चे आम आए हैं, तो कच्चे आम का हम बना रहे हैं थोड़ी सी भी, ये हमने थोड़े थोड़े अम्मा हमारी काट रही हैं तो इसमें हम बनाएंगे थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा जो रोज़ को खाने के लिए बना लेंगे जो जल्दी गल जाता है, और थोड़ी सी हम बनाएंगे मीठी चटनी। ये बज रहे हैं 12 दोपहर के, अब हमने बनाया है स्मूथी, मैंगो स्मूथी, अब हम वो पियेंगे, इसके बाद हम बताएंगे आपको हमने लंच में क्या बनाया और फिर हम बताएंगे डिनर के लिए भी हम क्या बना रहे हैं, हम आपको सब बताएंगे, पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। और अब हम ये पी लेते हैं, बज रहे हैं दिन के 2 और 2 बजे गए हैं तो अब हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं दिन का। तो हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है ये लौकी का रायता बनाया, उसको मैंने अच्छे से लहसुन से और उससे भकार किया है। और ये मैंने बनाई काली मलका की दाल और चावल, और साथ में हम बनाएंगे अब इसमें थोड़ी सी चटनी भी है। और भैया आपको पता ही है सलाद वगैरह खीरा वगैरह आजकल चल ही रहा है, तो सब चीज़ में काट के इसके साथ अब हम खाना खा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अब हमने इसके बाद हमें क्या करा और शाम के लिए हम क्या बना रहे हैं। अभी मित्रा से मेरा मैंने एक सूट मंगाया हुआ था धोती वाला, तो वो आया है तो वो भी मैं आपके सामने दिखाऊँगी कि कैसा है, और आप भी बताइएगा कैसा है। ये तो इसकी धोती वाली पैंट है, ये इस तरीके से है, धोती का है पूरा धोती,
कपड़े की धोती है, और ये है इसकी फॉक। और पहनने के बाद भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी आज ब्लॉग पूरा दिखाई रही हूँ तो ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। देखिए दोस्तों, इधर एकदम इतना ख़राब मौसम हो गया है, इतना काला हो गया है, बज रहे हैं शाम के 6 और बिल्कुल काला मौसम हो गया है। और बस हमें चाय बनाने जा रही थी, एकदम मौसम काला हुआ, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो डाल देती हूँ। इतना और हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता नहीं, बूंदाबांदी होने ही लगी है। और हम लोग शाम के टाइम में छत पर ही आ जाते हैं वॉक करने के लिए, तो इसलिए मैं आ गई थी। तो देखा मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काला बिल्कुल, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी डाल देती हूँ, बता दिखा देती हूँ। दोस्तों रात के खाने के लिए भी हमने बना लिया है, रात के लिए हमने ये स्टू बनाया है चिकन का। और ये तो मैंने आपको दिखाई थी कि हम चटनी बना रहे हैं आम की, वो चटनी भी मेरी तैयार हो गई है। और दिन का भी थोड़ा खाना है हमारे पास रखा हुआ, जिसमें से दाल भी है, लौकी का रायता भी है और लौकी की सब्ज़ी भी है, तो हमारा स्टू हमने बना ही लिया, हो जाता है सब। और इसके साथ ही हम अपने ब्लॉग के एंड करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।